हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं द मोस्ट वंडरफुल बुक इन द वर्ल्ड, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, रिटन बाय ग्रेट ऑथर इकिरो किसिमी एंड फ्यूमिटेक कोगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में। हमारे जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से ही क्रिएट होती हैं। इसी के बारे में हम ये सेकेंड नाइट में डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था इन्फेरियरिटी क्या होती है, सुपीरियरिटी क्या होती है, और इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स क्या है, और एक हेल्दी इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स क्या है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो के थ्रू ज़रूर जाइए, बुक के थ्रू तो ज़रूर जाइए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इन्फेरियरिटी, फीलिंग ऑफ इन्फेरियरिटी के बारे में। हमें लगता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारी फीलिंग तो दूसरी जगह है, प्रॉब्लम्स तो दूसरी जगह अराइज होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा अच्छे से उसको ध्यान दें, हमारे सारे प्रॉब्लम को, तो उसका जड़ जो है वो यही होता है कि हम हमेशा अपने आप को कम समझते हैं, और उसी चीज़ को हम एपिसोड बाय एपिसोड हम उसको और ज़्यादा इलाबोरेट करते जा रहे हैं। सो प्लीज़ रियलाइज दिस एंड सही में इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सब अपने ही खुद की लिमिटेशन से बाहर आ सकें और हम सब कोई खुश रह सके। तो देखिए, ये जो फीलिंग ऑफ इन्फेरियरिटी है, ये आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है। देखिए, हमें लगता है कि हम अगर कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ हमारी कोई बातचीत चल रही है, आगे चल के वो बातचीत आर्गुमेंट में बदल जाती है, और वो आर्गुमेंट आगे चल के फिर झगड़ा में बदल जाती है। ऐसा होता है ना? तो हमें लगता है कि अगर ऐसी बात होती है तो फिर इन्फेरियरिटी कहाँ से आ गई। देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब हम कुछ बात करते हैं और उस बातचीत के अंदर आर्गुमेंट हो जाती है, और उस आर्गुमेंट के दौरान जब हमें गुस्सा आती है, ये सारी चीज़ें क्या है? देखिए, जब हम बातचीत शुरू करते हैं उस जगह पर, हम हमेशा जब आर्गुमेंट हम करते हैं, हमेशा हम चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं, मुझे विनर बनना है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। यानी कि जब हम ये सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, तो सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत है, तो हम उसको हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, या फिर वो हमें गलत ठहराने की कोशिश करती है। तो इस चक्कर में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। ये वो स्टेज है जहाँ पर पावर स्ट्रगल वाला स्टेज है। और इससे आगे क्या होता है, इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते जाते हैं, जीतने के चक्कर में वो रिवेंज में कन्वर्ट हो जाती है, वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, कोई बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, तो उसकी पेरेंट्स जब उसको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना बंद कर देता है, या फिर स्कूल से आके बैग वगैरह सब गुस्सा होकर फेंकने लगता है। तो इसका मीनिंग क्या है, वो रिवेंज के स्टेज में आ गया है। और उसका रिवेंज क्या है, उसको क्या लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे नीचा दिखाया, मेरे बात को नकारा है, तो मैं उनको भी सफर दूंगा, उनको भी सफर करवाऊंगा, है ना? तो ये चीजें हम सबके अंदर होती है, और इसके अंदरूनी जो फीलिंग है वो क्या है। देखिए, फिर से पीछे चलिए, हम क्यों अपने आप को विनर घोषित करना चाहते हैं, क्यों क्यों ऐलान करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो विनर वाली फीलिंग्स नहीं है। वी आर लैक ऑफ दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस, या फिर दैट फीलिंग ऑफ रियली सुपीरियर। इसीलिए हम अपने आप अपनी फीलिंग्स को, उस फीलिंग्स को दबाने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से क्रिएट होती है, फीलिंग ऑफ इन्फेरियरिटी से ही क्रिएट होती है ना? तो देखिए, इससे हम कैसे बचें? फिर से शुरू कीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। जब आप इस दौर से गुजर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट हो जाता है, या फिर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है और वो चीज़ आगे बढ़ते जाता है, तो वहीं पर उस चीज़ को रोक दीजिए। अपनी एंगर का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लीजिए। और हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि एंगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बस एक टूल है,
हम जो बात बोल रहे हैं, अगर देखिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, तो फिर आपको इतना स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है? एंगर को एज ए टूल यूज करने की क्या जरूरत है? आप आराम से भी बोल सकते हैं, है ना? देखिए, अगर आप एंगर को कंट्रोल करते हैं तो बातचीत का जो सिलसिला है और आपके इमोशन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ रहेगी। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ वो गलत बोल रहा है तो क्या हम मान ले, हम एंगर ना दिखाएं, हम अपने इमोशन को कंट्रोल में कर ले, मान ले। देखिए, अगर ये सब भी आप सोच रहे हैं ना, तब भी आप पावर स्ट्रगल वाले स्टेज में हैं ही। देखिए, आपकी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म होती है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसको कहाँ जाना है और उस वो किस गोल लेके आपके साथ एर्गुमेंट कर रहा है, वो क्यों जीतना चाहता है, ये सारा का सारा उसका प्रॉब्लम है। आपको आपकी बात रखनी थी, आपने रख दिया। वो माने या ना माने, ये उसकी प्रॉब्लम है। आप उसको दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए। अगर हम किसी पर दबाव डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अंदर से हम खुद दबे हुए हैं। अपने आप को मत दबाइए। वो डिस्कशन को वहीं पे रोक दीजिए और चीजों को मान लेने का या फिर डिस्कशन को रोक देने का, आर्गुमेंट को नया मोड़ दे देने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। ये तो आपकी जीत है आपके इमोशन के ऊपर। सो हमेशा हर चीज में ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका इमोशन का जो कंट्रोल है वो आप ही के हाथ में रहे। तभी आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है? और आप में से कोई भी, हम में से कोई भी, कोई किसी से कम नहीं है दोस्तों। हम सब अपने दुनिया के मालिक हैं, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सबकी दुनिया अलग-अलग है। इस बात को हमेशा याद रख के आगे बढ़िए। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। एंड टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।